Pakistan, this is me, Mathira, and you're watching the one and only show, Super Football Show, only on Jio Super. Jeet kar Jio. Ye do ladke bhi jeet kar hi jee rahe hain. Khurram aur Ali ji. Ali, farmaye, is hafte kya kya hua, kya nahi hua? Bahut major change hui hai Pakistan football ki national team mein, Mathira. Uske ilawa AFC ka Asia Cup jo hai, wo bhi aage stages pe pahunch raha hai. Aur iske saath ab English Premier League ke bare mein batayenge hamare jitne log bhi dekh rahe hain, La Liga ke bare mein baat karenge aur aapka favorite section Super Gossip. जो इंटरनेशनल कोच थे उनको हटा दिया और मिस्टर लुफ्ती को हायर करा है और बैकग्राउंड मिस्टर लुफ्ती का अली बताएगा जी. मटिया, तारिक लुफ्ती इज द फर्स्ट एवर जिसको हम बोलेंगे फीफा के साउथ एशिया में ऑथराइज इंस्ट्रक्टर थे और ये इनका सेकंड स्टिंट है पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ. ये पहले भी 1985 से 2005 तक पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं और इनके दौरे कोचिंग में पाकिस्तान ने 3 दफा गोल्ड मेडल साउथ एशियन गेम्स में हासिल किया है. दैट वाज इन 89, 91 and 2004. उसमें तारिक लुफ्ती साहब हमारा नेशनल टीम मैनेजर होगा. उसने ये नहीं डिस्क्लोज किया क्या इसको पैकेज मिला, कितना पैसे मिला. उसने ये जरूर बोला था कि हमने 100 मिलियन रुपीज मांगे थे गवर्नमेंट से, उसके वजह से वो जो पैसे नहीं मिले इसलिए हम ग्रैम रॉबर्ट्स और इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं ला सके पाकिस्तान. ओके, सो अली, व्हाट डू यू थिंक दैट जब तारिक लुफ्ती आएगा कोई फर्क आएगा या देन इट्स गोइंग टू स्टे जीरो, मतलब जीरो ही रहेगा या क्या होगा? नहीं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत इंप्रूवमेंट आएगी. ये PIFC के भी कोच हैं अभी करंटली और उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब PPL में हमने देखा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया. उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि 2007 में जियो सुपर की जो लीग हुई थी, एट दैट टाइम ही वाज द कोच ऑफ कराची बाजीगर. दे परफॉर्म रियली वेल इन दैट लीग. मतलब इंप्रूवमेंट आएगी. ओके, इंप्रूवमेंट आएगी, बेटर देन द इंटरनेशनल कोच. ठीक है, वेल दैट्स सैड. वेल एनीवेज, अच्छी बात है. साथ-साथ कुरम जो अभी हो रहा है लाहौर में, एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली लाहौर में मतलब क्या हुआ है कि ये तारिक लुफ्ती साहब ही जो है सुपरवाइज करेंगे. हमारे फैसल सोलियात साहब ने बोला था कि 31 प्लेयर्स जो है इसने अप्रूव किया है, जो ये लाहौर जाके एक मॉडल CND टाउन में वहां पर कैंप होगा जो नेशनल यूथ कैंप खिला रहा है. इसमें अंडर 23 के प्लेयर्स आएंगे और क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे टू प्ले फॉर पाकिस्तान. okay. जो मार्च 3rd एंड February 23rd के जो मैचेस हो रहे हैं इन कुआलालंपुर एंड इन लाहौर अगेंस्ट मलेशिया. इट्स द प्री ओलंपिक क्वालिफिकेशन. मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड इट्स गोना बी रियली नाइस, है ना? वेल, साथ-साथ अभी फिल वक्त हम आप लोग को दिखाएंगे एक स्नैपशॉट 31 प्लेयर्स का, जो जो है उन लोग के नाम क्या है, उम्र क्या है, सारी चीजें आप लोगों को पता चलेगी इस स्नैपशॉट में. लेट्स गो. 31 प्लेयर्स के नाम आप देख रहे हैं जो जा रहे हैं खेल रहे लाहौर में. इसके बावजूद 15 लोग और भी आएंगे इंशाल्लाह और ये कैंप में हिस्सा लेंगे. मैं चाह रहा था कि पूरा पाकिस्तान के जितने भी टैलेंट पूल वो सब हो जाए. लगता है ये मसला ये कि सबको उसी कैंप पे जाके करना पड़ेगा. पर एक चीज जो है, हमारा तारिक लुफ्ती साहब ने जो ऐलान के जरिए बोला था कि मैं सबको चांस दूंगा, ये नहीं कि मेरे फेवरेट प्लेयर्स होंगे, मैं सबको चांस दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टीम जो है ना काफी टैलेंटेड जाएगा. हेनरी गॉट अटैक्ड बाय अ फैन. वो पंखा नहीं, एक एक बच्चा जो पसंद करता था जो सडनली खिलाफ हो गया, जिस तरह लोग खिलाफ हो जाते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन. हाँ, ये क्यों? हार्पर के साथ क्या वाकया हुआ था कि जब संडरलैंड वर होस्टिंग न्यूकैसल, उनका एक डर्बी होता है जो हर वक्त कोई ना कोई वायलेंस होता है, कभी कभी कुछ ना होता है. एक यंग फैन ने आके आफ्टर असम ज्ञान ने गोल मारा था, उसने आके स्टीव हार्पर को थोड़ा सा धक्का दिया, स्टीव हार्पर गिर गया. बच्चे का मसला ये है कि सब स्टीव ब्रूस जो कैप्टन जो मैनेजर सबने कंडेम किया ये अटैक को, बोले ये नहीं होना चाहिए. सनडलैंड फैंस थे, वो फैन को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया कि बेटा तुम बहुत यंग हो, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए. तो ये एक सिविल चीज हुआ है कि आप क्यों कर रहे थे, उसको पकड़ के पुलिस के. Well, that's absolutely right and I think so. ये देखकर हमारी अवाम को भी सीखना चाहिए था, जब एक बच्चा छोटा हो और गलत हो, अभी अगर आप उसे सुधारोगे नहीं तो मजीद बड़ा होकर मजीद बड़ी गलती करेगा. सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एंड अब आते हैं हेनरी के बारे में. सो यस, हेनरी ने क्या करा? आई एम वंडरिंग व्हाट्स रॉन्ग विद हेनरी. थियरी हेनरी जो है वो आर्सेनल के लीडिंग गोल स्कोरर, रिकॉर्ड गोल स्कोरर रह चुके हैं, ही इज एन आर्सेनल लेजेंड. ये जो है आर्सेनल में आजकल जो है 2 वीक के लिए अपने MLS सीजन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे डेविड बेकहम टॉटनहम में कर रहे हैं वैसे डेविड बेकहम तो बहुत कुछ कर रहे हैं. तो ये आए हुए यहाँ पे और इन्होंने ये कहा है कि आर्सेनल इज केपेबल ऑफ विनिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग and at the same time Barcelona ko jo hai wo hara degi. Well anyways, Chelsea, please Chelsea. Ek side se I'm saying boo, ek side se I'm saying you. Aap batao Chelsea ke bare mein kya bolenge Ali? Well, Chelsea ke jo former coach Claudio Ranieri, Khurram, what he has said is ke he has denied reports linking him to a job with Liverpool. Wo bolte ke main bahut khush hu Roma mein aur Roma ke sath jo hai mera acha wo contract chal raha hai, to mujhe aake Liverpool jo ek trouble side hai is waqt, mujhe aake uska manager bane koi shock nahi. Aha, that's really nice, but the next gossip is about a guy who really messes up. You know, big time.
ये बंदे ने बिग टाइम हर चीज मेसअप कर लिए. व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद मेसी? इस गॉसिप इज के मेसी ये कहते हैं कि प्लीज डोंट गो फ्रॉम बार्सिलोना, साइन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ताकि इस टीम की जो विनिंग मेंटालिटी और स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे. दैट्स रियली नाइस, बट एट द सेम टाइम लाइक टू आस्क यू गाइस, इज पॉल अलाइव? इज ही जिंदा है वो? खुर्रम बताए, खुर्रम बताए, ये बताए पॉल अलाइव. हमारा जो सेफलोपॉड है, जिसका नाम सेफलोपॉड इज एन ऑक्टोपस, उसने एक ईमेल लिखा था, या इसने इंटरनेट पर आके इसने एक खत लिखा था कि भाई मेरे जान पे इतना खतरा था कि मैं भाग गया और हमें नहीं बताएंगे, मैं अपने टेंटिकल्स के साथ में वो कर रहा था कि ये जो के मतीरा किसी आदमी ने लिखा है कि भाई मैं हूँ पॉल द ऑक्टोपस, मेरा नाम पॉल नहीं है, आप लोग मेरा असल नाम बोल नहीं सकोगे, मैं डर रहा था, खतरे में था, लोग आ रहे थे, मुझे ऐसे देखे थे कि खाने जाते थे मुझे, तो मैंने प्रेमिनिशन देख के भागे थे. इट्स अ जोक, ही इज डेड. She makes the right prediction. Well, anyways, ye log to baat karte rahenge, and I really don't know, Paul, if you're alive or dead, but all I can say is may your soul rest in peace. That's it. Aur agar aap ji rahe ho, to jeet kar jiyo. That's it. And Ali padhenge email. So yes, Ali, email kya hai? Mushkil email hai, badi interesting email hai. Hello, I'm Alaina Burney, and my question is, how do direct free kicks inside the penalty box are given? Okay. I thought fouls in the penalty box always ended in penalty kicks. तो इसका जवाब ये है अलाइना कि व्हेन अ प्लेयर प्लेज अ बैक पास टू अ गोलकीपर, तो वो पैर से खेला हुआ बैक पास जो है उसे पैर से ही खेलें, क्योंकि ये गेम का नाम फुटबॉल है. यू कैन नॉट हैंडल द बॉल. अगर वो उस बॉल को जिधर से उठा लेता है बैक पास के, वहीं से जो है एक डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, और फ्री किक का ये मतलब होता है कि पूरी डिफेंसिव वॉल बनती है. लेकिन अगर फाउल हो जाता है बॉक्स के अंदर, दैट देन देयर इज गिवन अ पेनल्टी. उसके अलावा नहीं. Well, that's absolutely right. Time for us to say goodbye. I really, really hope that आप लोग को इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया. And I know आप लोग मुझे बहुत मिस करेंगे, खुर्रम और अली से ज्यादा मुझे मिस करोगे. And don't worry, हम वापिस आएंगे, मजीद बातें करेंगे. Thank you so much, खुर्रम. Thank you so much, Ali. Ali, अब आप जाकर सो सकते हैं. थैंक यू. ओके, अब आप लोग भी जाएं. हैव अ ग्रेट टाइम. अल्लाह हाफिज. सानू काफी का.